हे hey दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस्टर इन्फो पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के करंट अपडेट्स के रिगार्डिंग। जो बिटकॉइन का मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है करंट में, और ये भी जानेंगे कि क्या बिटकॉइन में एक नया एक जो बुलिश रन है क्या वो आने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स। वो हमें जो है एक मार्केट का सेंटिमेंट ऊपर का सेंटिमेंट हमें बता देता है कि मार्केट में करंट किस तरीके से बायर्स एंड सेलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर अभी के बारे में बात करें तो मार्केट में थोड़ा बहुत फियर मूवमेंट दिख रहा है। 46 का एक लेवल है वो दिख रहा है, और पिछले दिन के मुकाबले आज का जो फियर है वो थोड़ा घटा हुआ है। कल की बात करें तो 45 लेवल था, लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, बायर्स आ नहीं रहे थे और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा बेच रहे थे। और उससे पहले अगर हम बात करें, जो परसों तरसों को एक डीप मूवमेंट आया है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रीड लेवल 74, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीड लेवल था, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेल किया। तो ये एक ओवरव्यू है मार्केट का। इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में अभी करंट का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बहुत लोग बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक साइड मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो हम सीधा BTC और USD का चार्ट पैटर्न ही देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है BTC USD का चार्ट पैटर्न, और टाइम फ्रेम है हमारा 4 आवर का। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोर जो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, उससे पहले आप MACD का चार्ट पैटर्न देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि ये 4 आवर का MACD का चार्ट है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को अपर साइड में क्रॉस कर रही है, और जिसका मतलब होता है कि मार्केट में जल्द ही बुल रन आने वाला है, ठीक है। ये तो बात हो गई 4 आवर के चार्ट पैटर्न के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम में ना देख के आप और भी टाइम फ्रेम्स में देखो, ताकि एक कंफर्मेशन आपको मिल जाए कि क्या सही में एक बुल रन आने वाला है या फिर ये बस एक फेक ब्रेकआउट है। अगर हम इसे एक दिन के चार्ट पैटर्न के तौर पर देखें तब मार्केट का क्या एक सिनेरियो बनता है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया है MACD का एक दिन वाला चार्ट पैटर्न। यहाँ पर आप देखो किस तरीके से जो ग्रीन लाइन है इसने रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया हुआ है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो एक बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। और ये हमें बता रहा है कि अभी भी जो बियरिश मूवमेंट है वो मार्केट में ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी बियर है, बियर पोटेंशियल है, मार्केट अभी भी डाउन जा सकता है। तो हमें इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आप देख सकते हो कि 1 आवर के अगर हम 4 आवर पे तो हमने देख लिया, अब हम 1 आवर के अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें MACD का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो ग्रीन लाइन है इसने रेड लाइन को अपर साइड में क्रॉस किया हुआ है। तो ये भी हमें बता रहा है कि मार्केट में खरीदारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मतलब मार्केट जो है बुलिश मूवमेंट शो कर रहा है। तो इससे हमें एक अच्छा खासा एक ओवरव्यू हो चुका है कि मार्केट का जो रियल है एक सिनारियो है वो किस तरीके से है। 1 आवर के चार्ट में ये हमें बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है मार्केट में, और वहीं पे अगर हम बात करें एक दिन के चार्ट में तो ये हमें दिखा रहा है बियरिश मूवमेंट मार्केट में एक बियरिश मूवमेंट है। तो अब हम बात किसकी माने, अब हम क्या मतलब क्या करें मार्केट में, किस तरीके से बचें। तो सीधी सी बात है, हम सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब सीधा हम बात करते हैं सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो मार्केट ने एक जो लेवल है 53,000 का, वहाँ तक जाकर उस लेवल को टच करने के बाद मार्केट में एक बियरिश मूवमेंट आया, और लगभग 43,000 तक के लेवल को इसने टच किया, मतलब इतना नीचे चला गया मार्केट, और फिर थोड़ा बहुत मार्केट अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर इसी तरह से पंप एंड डंप करता रहता है, ठीक है। तो ये एक मेजर कारण है कि लगभग जो ये 47,000 का जो लेवल है ये इस लेवल के आसपास ही रेसिस्टेंस फील कर रहा है। अगर आप देखो गौर से, मैं थोड़ा बहुत जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, आप यहाँ पे देखो मार्केट इसी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पंप एंड डंप कर रहा है, मतलब 47,000 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है BTC के करंट मार्केट के लिए। 47,000 का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी लिहाज से। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो कि इससे पहले भी ये जो लेवल है 47,000 का, उसने 31 अगस्त फिर 30 अगस्त फिर 1 सितंबर को ये तीनों दिन लगभग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव किया, और उससे पहले अगर हम बात करें तो 26 अगस्त एंड 27 अगस्त को
इसी लेवल ने एक स्ट्रॉन्ग फिर से सपोर्ट लेवल की तरफ बिहेव किया। तो यही एक वजह है कि मार्केट इस लेवल को एज अ बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस फील कर रहा है। और अगर हम बात करें कि क्या बुलिश मूवमेंट आ चुका है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, अभी भी बुलिश मूवमेंट नहीं आया है। अभी भी एक दो दिन मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन कम से कम ये साइड मूवमेंट करेगा, मतलब साइड वाइज मार्केट बिहेव करेगा। अभी एंट्री लेना मेरे ख्याल से इतना उचित नहीं हो सकता है, बट फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आप ही को होगा और लॉस होगा तो वो भी आप ही को होगा। एक और हम जो टेक्निकल इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसकी भी मदद ले लेते हैं एंड देन थोड़ा बहुत हम कन्फर्मेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का जो गोल्डन लेवल है 0.382, यहाँ पर आप देख सकते हो उस लेवल को ये किस तरीके से ओबे कर रहा है एज अ रेसिस्टेंस। आप ये देखो कि 0.236 का जो लेवल है उसे एक सपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, बट उस लेवल को मार्केट ने छुआ, फिर अप चला गया, फिर आप नीचे, फिर आप उसके बाद की जो कैंडल है आप उसे देख सकते हो, उसने इस लेवल को एक सपोर्ट की तरफ बिहेव किया है। 0.236 का जो ये लेवल है उसे एक सपोर्ट की तरफ बिहेव किया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने हर बार जो एक गोल्डन रेशियो है 0.382 का, उसे एक रेसिस्टेंस लेवल की तरफ देखा है। बार बार मार्केट उसे टच करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर मार्केट उसे टच करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर से टच करता है और फिर से वापस आ जाता है। और अभी फिलहाल जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 46,366 USD के लेवल पर। तो दोस्तों 47,000 का जो लेवल है वो लगभग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसी बात से लगा सकते हो कि जो ये गोल्डन रेशियो है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 0.382 का, वो भी लगभग उसी के अराउंड है एंड उसी लेवल को किस तरीके से मार्केट बार बार एज अ रेसिस्टेंस फील कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट को अगर रियल में बुलिश मूवमेंट देना है तो उसे 47,000 का जो ये लेवल है उसे क्रॉस करने के बाद एक अच्छा खासा कन्फर्मेशन कैंडल या फिर कोई भी टेक्निकल टूल्स उसको सपोर्ट करे वैसा उसे बिहेव करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारा एक इन्वेस्टमेंट होगा वो सेफ एंड सिक्योर हम कह सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मार्केट में अभी भी बियरिश मूवमेंट कहीं ना कहीं जिंदा है। देख सकते हो यहाँ पर MACD के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अभी भी जो ग्रीन लाइन है उसने रेड लाइन को नीचे साइड की ओर क्रॉस किया हुआ है। तो जब तक ये अपर साइड की ओर क्रॉस नहीं करता तब तक हम कन्फर्म नहीं हो सकते कि मार्केट में अभी भी बुल रन आया है या फिर आ चुका है। सो हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस एक दो दिन की बात है। मार्केट जल्द ही 47,000 को जैसे ही ब्रेकआउट देता है उसके बाद हम कह सकते हैं कि मे बी बुल रन आ चुका है या फिर स्टार्ट हो गया है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि मैं आपको किस फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए कह रहा हूँ। आप मार्केट को सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर ना जाँचें, आप उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर जाँचें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप फेक ब्रेकआउट से बच जाएंगे, आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल जैसे इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप टेक्निकल एनालिसिस किस कॉइन या टोकन पर चाहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।